नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। कैंसर रोगियों का इलाज कर स्वस्थ करना उद्देश्य, डॉक्टर हर्ष सिंह। हिंद अर्थोपाली क्लिनिक में निशुल्क मेडिकल कैंप का हुआ आयोजन। 102 मरीजों का निशुल्क जांच और दवा का हुआ वितरण। आज के आधुनिक युग में हर रोग का उपचार संभव है, विशेष रूप से कैंसर रोग का। अगर सही समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक से कैंसर रोगी का उपचार होता तो ऐसे रोगियों की जान बचाई जा सकती है और उन्हें पहले जैसा स्वस्थ जीवन मिल सकता है। उक्त बातें रविवार की शाम शाहगंज नगर के जौनपुर रोड नसीराबाद स्थित हिंद आर्थोपाली क्लिनिक पर आयोजित निःशुल्क मेडिकल कैंप में नाक कला कान गला इंडोस्कोपी एवं कैंसर रोग सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष सिंह ने एक वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पान गुटखा धूम्रपान करने वालों को अक्सर कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे समय में मरीज गलत जगह उपचार कराकर अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। कुछ मरीज तो ऐसे भी होते हैं जो जानकारी के अभाव में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टरों से ना मिलकर गलत जगह उपचार कराने लग जाते हैं, जिससे उनकी जान भी गंवानी पड़ती है। थायराइड एवं कान के रोग के बारे में बताते हुए श्री सिंह ने कहा कि आजकल देखा जाता है कि विशेष रूप से महिलाओं में थायराइड का गांठ होना, कैंसर होना जैसी समस्या अधिक पाई जाती है, जिससे ऐसे रोगियों को घबराने की जरूरत नहीं, इनका इलाज दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर सफल इलाज हो सकता है। कान के रोग के बारे में उन्होंने कान की हड्डी का टेढ़ा होना आदि समस्या बिना चीरा के दूरबीन द्वारा उपचार किया जाता है। डॉक्टर हर्ष सिंह ने आगे बताया कि सही समय पर कैंसर रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से इलाज कराने 80% कैंसर रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि कैंसर रोगियों को बेहतर उपचार देना। फ्री मेडिकल कैंप के आयोजक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अबू फैसल कैंप में उपस्थित डॉक्टरों एवं गणमान्यों के प्रति आभार व्यक्त किया और बताया कि शाहगंज में नाक कान गला एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ की भारी मांग को देखते हुए अब बनारस के प्रसिद्ध ENT एवं इंडोस्कोपी और कैंसर सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष सिंह प्रत्येक रविवार को शाम 5 बजे अपनी सेवाएं देंगे। निःशुल्क मेडिकल कैंप में लगभग 102 मरीजों को निःशुल्क जाँच कर मुफ्त दवा का वितरण किया गया। उक्त अवसर पर डॉक्टर जैद, डॉक्टर मेराज खान, मुकेश, गणेश दुबे, उजैर अंसारी, आतिफ, दीपक, मुनव्वर, रतन आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रिपोर्ट संदीप गुप्ता। नमस्ते, मैं डॉक्टर हर्ष सिंह, मैं हेड एंड नेक सर्जन हूँ आपके एपेक्स हॉस्पिटल बनारस में। सो मैं जौनपुर में अपनी OPD चालू कर रहा हूँ। तो हमारा नाक कान गला और मुंह और गले के कैंसर के सर्जन हैं हम बेसिकली। और हमें अभी हिंदुस्तान में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो मुँह का कैंसर है, मुँह और गले का कैंसर है। मेरा जो मेन मोटो है जौनपुर में या पूर्वांचल में आपके बैठने का, कि हम इसकी अर्ली डायग्नोसिस कर पाएँ और इसका हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, जैसे हमारे पेशेंट्स हैं लास्ट स्टेज में आते हैं हमारे पास, तो हमारे यहाँ पे आने का, हमारे यहाँ पे बैठने का जो मोटो रहता है, मकसद है कि हमें उनको जल्दी उनकी डायग्नोसिस हो जाए, उनका ट्रीटमेंट हो जाए, उनका इलाज हो जाए और वो ठीक हो सके विदाउट एनी फंक्शनल डिसेबिलिटी। जो उनको प्रॉब्लम्स होती है, मुंह टेढ़ा हो गया है, हटा दिया गया है, उसके बिना जितने से वो ठीक हो सके वो अच्छा रहता है। बाकी हम दूरबीन से भी कैंसर का इलाज करते हैं, सेक देना, कीमो देना, उन चीज़ों की भी फैसिलिटी हमारे यहाँ होती है। सर, कैंसर का इलाज आज के दौर में संभव है या ऐसी कोई पद्धति? एकदम संभव है कैंसर का इलाज। इस चीज़ पे मैं आपको बोल दूँ, आप किसी की भी कहीं सुनी बातों पे ना जाएं। जो आपके यहाँ पे, जो आपके गांव में, वो कैंसर के डॉक्टर नहीं हैं, आप उनकी कहीं सुनी बातों पे ना जाएं। अगर आपको कुछ मानना है तो आप अपने कैंसर के डॉक्टर से जो वो सलाह देते हैं आप उसको मानें। तो सर, अक्सर देखा जाता है कि लोग कैंसर के नाम से ही घबरा जाते हैं, आधे से ज़्यादा तो वैसे बीमार हो जाते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, क्योंकि लोगों के बीच इसके नॉलेज नहीं है। जो लोग हैं इसके बारे में लोगों को पता नहीं, तो इस वजह से लोग काफ़ी घबरा जाते हैं कि अरे कैंसर हो गया तो अब तो ठीक नहीं होने वाला है। पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। 70-80% कैंसर ठीक हो सकते हैं अगर आप सही समय पे हॉस्पिटल जाएं और सही इलाज आप करवाएँ। लोकल कोई भी इलाज ना करवाएँ, चीज़ें कई बार ख़राब हो जाती हैं लोकल इलाजों से। आप प्रॉपर हॉस्पिटल में जाएं, मेरा ये मोटो, मतलब ये कहना नहीं कि आप हमारे पास ही आएँ, आप कहीं पे भी जाएं, पर आप प्रॉपर हॉस्पिटल में जाएं, कैंसर हॉस्पिटल में, और उसका इलाज कराएं। एकदम कैंसर का इलाज संभव है। सर, ये थायराइड और कान के हड्डी के ऑपरेशन क्या बता रहे थे, क्या पद्धति है, कैसे किया जाता है? थायराइड का ऑपरेशन, थायराइड अभी एक बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है हमारे फीमेल्स में, औरतों में देखी जाती है ये चीज़। सो थायराइड की गांठ होना, थायराइड का कैंसर होना, उसका ऑपरेशन दूरबीन से और इवन दवा से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसकी भी हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। कान का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा बिना चीरा लिए और कान की हड्डी रिपेयर करना, सुनने में जिसको कम होता है उसको ठीक करना, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ भी हैं। तो खर्चे कितने सर आ जाते होंगे इसमें? हमारे यहाँ पे आयुष्मान भारत है, अगर आप आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं तो वो चीज़ आपको फ्री में रहेगी।
और जनरली कैंसर का भी हम एकदम मिनिमल प्राइस पे इलाज करते हैं, मिनिमल अमाउंट पे हम उसका इलाज करने वाले हैं। धन्यवाद। का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।